भारतीय जनता पार्टी का जो कलकत्ता का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी का आगमन है और हमारे बीच में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी दक्षिण जिला अध्यक्ष अनीता जी। अनीता जी, इस कार्यक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं? हमारे यहाँ संगठन का ये हमेशा ये ऊंचावान और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहते हैं और ये जो अमित शाह हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका उद्बोधन हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया ऊर्जा और उत्साह भरने वाला है और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ पूर्व अध्यक्षों को इस तरह संगठन के कार्य लगातार तमाम जीत होने के बाद चाहे केंद्र में सरकार बनी हो चाहे प्रदेश में सरकार बनी हो लेकिन हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता जो हम लोग जाने जाते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में और हमेशा कार्यकर्ताओं के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ एक नारा दिया जाता है कि बूथ जीता तो हमने चुनाव जीता। तो आज बूथ अध्यक्षों को उनके माननीय अमित शाह जी का उद्बोधन प्राप्त होगा, उनके से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होगा क्योंकि आगे 2019 का चुनाव आने वाला है उसमें अलग से क्या इसको 2019 के इलेक्शन का शंखनाद माना जाए? ये तो अभी बहुत जगह हो चुके हैं, सब जगह हो चुके हैं, बहुत जगह कार्यक्रम हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ भी यहाँ होने जा रहा है ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ ये बात जरूर है 2019 इसको रैली कहा जाए कि नहीं? रैली नहीं, ये रैली नहीं है, ये रैली नहीं है। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझिए, इसमें केवल हमारे यहाँ इतने कार्यकर्ता हैं कि बहन जी आ सकती है क्या, लेकिन हमारे यहाँ अच्छा इस बूथ सम्मेलन में आम नागरिकों का आगमन है? नहीं, 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 तो जिस तरीके से शहर में जिस तरीके से प्रचार हो रहा है होल्डिंग के माध्यमों से क्षेत्र के नेताओं के माध्यम से वो आमंत्रित कर रहे हैं तरीके नहीं, से नहीं, आमंत्रण कहीं नहीं है। आप कहीं भी पढ़िए कहीं भी आमंत्रण नहीं है कि चले रेलवे ग्राउंड वहाँ पे एक रैली, अगर किसी की रैली होती उसकी एक लैंग्वेज अलग होती। हम लोग अमित शाह जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका स्वागत के लिए और उनके बूथ अध्यक्ष जो आ रहे हैं उनके साथ हो रही है भारतीय जनता पार्टी दक्षिण जिला। अनीता जी ने अभी कहा है कि ये रैली नहीं है, बूथ सम्मेलन है, इसमें आम नागरिकों का कोई आगमन नहीं है, इसमें सिर्फ बूथ स्तर के कार्यकर्ता और अध्यक्ष इसमें उपस्थित रहेंगे। इसको रैली के नज़रिए से ना देखा जाए, 2019 के शंखनाद ना देखा जाए और ये इनका कथन है। हम और जो बहुत सी बातें करेंगे, पल पल की खबर आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ UP 78। खबर कुछ अलग सी, पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया। थैंक यू।